To stay updated, subscribe to TJA Academy. Bismillahirrahmanirrahim. आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. कोई भी फर्म प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में. देखिए, सबसे पहले तो ध्यान में रखें, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसकी दो अप्रोचेज हैं. नंबर वन, टोटल अप्रोच. And second one is marginal approach. तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं total approach. जो हमारा focus है इस वक्त वो है total approach. Total approach इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि हम यहाँ जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, revenue, cost, वो सब की सब क्या होंगी, टोटल होंगी. यानी रेवेन्यू भी टोटल इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट भी टोटल इस्तेमाल करेंगे. तो इस वजह से हम इस तरह की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच को हमने कहा टोटल अप्रोच. अब यहाँ कुछ चीज़ें समझनी है. देखें, ये आउटपुट है और अगर मैं आउटपुट के रिस्पेक्ट से रेवेन्यू बनाना चाहूँ, आउटपुट के रिस्पेक्ट से रेवेन्यू बनाना चाहूँ, तो हम परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म के एजम्पशंस में हम ये बात पढ़ चुके हैं. परफेक्टली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो हम परफेक्ट कंपटीशन के एजम्पशन में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि फर्म्स कैसी होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं. तो कोई भी फर्म अपनी मर्जी से प्राइस सेट नहीं कर सकती. जो प्राइस मार्केट में चल रही है फर्म को वही फॉलो करनी है. तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस होगी, एक कॉन्स्टेंट फिक्स प्राइस होगी और वो खुद पर एक फर्म उसको अल्टर भी नहीं कर सकते. बिल्कुल ठीक है. तो जैसे जैसे कोई भी प्राइस हो, रुपीज़ टू, रुपीज़ फोर, रुपीज़ फाइव, रुपीज़ टेन, जितनी भी, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी क्वांटिटी की सेल बढ़ती चली जाएगी, रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा. इसका मतलब रेवेन्यू का और क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जितनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल होगी रेवेन्यू उतना ज़्यादा होता चला जाएगा. तो अगर हम रिलेशनशिप इनका ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा आएगा कि जैसे जैसे क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है. तो हमने दिखा दिया एक पॉजिटिव रिलेशनशिप. अब सवाल ये है कि ये स्ट्रेट क्यों बना, ये नॉन लीनियर भी बन सकता था. इसके लिए हम पहले बार डिस्कस कर चुके हैं कि फर्म के लिए परफेक्टली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में प्राइस कैसी होती है, कांस्टेंट. तो हर क्यू के बढ़ने से जो रेवेन्यू में इजाफा होगा ना, जिस रेट से इजाफा होगा वो कांस्टेंट होगा. अगर टू रुपीज़ का यूनिट है तो अगले यूनिट से भी दो रुपये मिलेंगे, उससे अगले यूनिट से भी दो रुपये मिलेंगे, उससे अगले यूनिट से भी दो रुपये मिलेंगे. तो जो रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा होगा वो टू, फोर, सिक्स, एट, सेम रेट से आ रहा होगा. और जिसका रेट सेम हो, रेट का मतलब जिसका स्लोप सेम हो, ऐसी लाइन कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है. तो आपने देखा स्ट्रेट लाइन बना दिया. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप ये देखें कि अगर ये रेवेन्यू लाइन है और एज्यूम करें कि इस वक्त प्राइस कितनी है, रुपीज़ फाइव है, प्राइस कितनी इक्वल टू फाइव, तो रेवेन्यू ऐसा बना. अगर प्राइस थ्री होती, लेट सपोज कम होती, तो बनता है स्ट्रेट ही लेकिन कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि अब ये फाइव के नहीं, अभी थ्री के रेट से बढ़ेगा. और इसी तरह अगर प्राइस एट होती तो कुछ रेवेन्यू इस रेट से बढ़ता. होगा ऐसे ही ओरिजिन से स्ट्रेट, लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो स्टीपर होता चला जाएगा और प्राइस कम होगी तो वो फ्लैटर ड्रा होगा. ये ज़रूर पॉसिबल है. वापस यहाँ पर आए तो ये तो था आपके पास रेवेन्यू. अब अगर फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो सिर्फ रेवेन्यू तो होता नहीं है. प्रॉफिट का फार्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो यकीनन हमें यहाँ पर कॉस्ट भी चाहिए. तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट के लिए जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का जो लेक्चर है वो आपके जहन में होगा कि हमने कुछ इस तरह की एक टोटल कॉस्ट ड्रॉ की थी. ये रही आपके पास टोटल कॉस्ट. ये हमने टोटल कॉस्ट ड्रॉ किया और हम ये देख सकते हैं दो पॉइंट पर रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और इस पॉइंट को हम ए कह दें, इस पॉइंट को हम बी कह दें. तो हमने यहाँ से जो क्यू निकाला हमने इसको कह दिया क्यू ए, और हमने यहाँ से जो क्यू निकाला हमने इसको कह दिया क्यू बी. यानी क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी, एट पॉइंट है, एट पॉइंट बी. अच्छा, यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट कैसी है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है. और रेवेन्यू और कॉस्ट के बराबर होने का मतलब है फर्म कहाँ पर है, फर्म ब्रेक इवन पर है. नो प्रॉफिट, नो लॉस,
कहां पर? पॉइंट ए पर नो प्रॉफिट नो लॉस, पॉइंट बी पर नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, लेकिन अगर हम ए से पहले देखें, क्यू ए से कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, तो क्यू ए से कम क्वांटिटी का प्रोड्यूस करना इस बात को बता रहा है कि रेवेन्यू का कर्व नीचे है, कॉस्ट का कर्व ऊपर. तो यहां पर कोई सी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा तो कॉस्ट ज्यादा नजर आ रही है रेवेन्यू से. इसका मतलब है बिफोर क्यू ए अगर हम प्रोड्यूस करें तो हमें क्या बेयर करना पड़ेगा? हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा. यहां पर लॉस है. इस तरीके से अगर क्यू बी के बाद देखें तो क्यू बी के बाद भी हमें कॉस्ट ऊपर नजर आ रही है, रेवेन्यू कम नजर आ रहा है, तो हमें यहाँ इस एरिया में भी लॉस बेयर करना पड़ेगा. तो एक एरिया बचिया बिटवीन क्यू ए एंड क्यू बी, यही वो एरिया है जहाँ पर रेवेन्यू का कर्व ऊपर और कॉस्ट का कर्व नीचे नजर आ रहा है. इसका मतलब है अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको इस एरिया में प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो पहली चीज़ तो हमने ये कंक्लूड कर ली कि परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म को बिटवीन क्यू ए एंड क्यू बी प्रोड्यूस करना है. अच्छा, ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा सा प्लांट लगाएं और वहाँ 10 यूनिट प्रोड्यूस कर दें तो आप बोलेंगे कि भाई इतने कम यूनिट अगर मार्केट में सेल भी कर दूं तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नुकसान ही होगा. तो इसका मतलब ये वो मिनिमम क्वांटिटी है कि कम से कम इतना प्रोड्यूस करूंगा तो भाई मेरा रेवेन्यू कॉस्ट बराबर आएगा, मैं मजीद प्रोडक्शन की कंटिन्यू करने की पोजीशन में हूं, अदरवाइज मुझे लॉस बेयर करना पड़ जाएगा, हो सकता है मुझे एग्जिट करना पड़ जाए. बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक लिमिटेड प्लांट से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहते हैं ओवर यूटिलाइजेशन, तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने का मतलब है कि फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिर हम लॉस में आ जाएंगे. तो ये बिल्कुल हमारा प्रैक्टिकल बिहेवियर है. बहुत हर फर्म यही चीज़ फेस करती है कि अगर प्लांट लगाया और कैपेसिटी से बहुत कम प्रोड्यूस करें तब भी लॉस है, कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करें तब भी लॉस है. इसलिए यहाँ पर भी फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी, यहाँ पर भी फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी. तो रह गई ये वाला पार्ट बिटवीन क्यू ए एंड क्यू बी. अच्छा, अब यहाँ पर भी ये तो पूरी रेंज है ना, ये कोई पॉइंट तो है नहीं कि बिटवीन एक पॉइंट नजर आ रहा है, नहीं, पूरी रेंज है क्यू ए क्यू बी के दरमियान भी. फर्म ने कहाँ प्रोड्यूस करना है, लेट सपोज ये लिखा हुआ है 100, ये लिखा हुआ है 200, तो इसके दरमियान कहाँ प्रोड्यूस करना है, 150, 160, 140. अब हमने ये डिसाइड करना है. ये तो डिसाइड हो गया, यहाँ भी नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना, यहाँ करना है. और जब यहाँ हमने प्रोड्यूस करना है तो फर्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. तो जब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना तो इसके हर पॉइंट पर प्रॉफिट सेम थोड़ी है. कहीं प्रॉफिट ज़्यादा है यानी गैप ज़्यादा, तो प्रॉफिट ज़्यादा, कहीं प्रॉफिट कम है. तो फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आउटपुट प्रोड्यूस करे जहाँ पर प्रॉफिट कैसा हो, मैक्सिमाइज हो. अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिकल बात ध्यान में रखनी है. अब यहाँ देखें, दो लाइन बनी हुई है, एक लीनियर है और एक कैसी है, एक नॉन लीनियर है, एक ब्लू है और एक रेड है. लीनियर और नॉन लीनियर के दरमियान अगर आपको ये पता करना हो कि किस पॉइंट पर इनका डिस्टेंस मैक्सिमम है तो क्या किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा. जैसे एक लीनियर लाइन है, एक नॉन लीनियर लाइन है, तो मुझे ये पॉइंट मालूम करना है कि किस पॉइंट पर इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है. तो मैं नॉन लीनियर पर ड्रॉ करूंगा टेंजेंट. टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो किसी भी नॉन लीनियर को टच करती हुई गुजर जाए, जैसे दिस वन सिर्फ टच करती हुई गुजर रही है, ये इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट नहीं कह रहे, सिर्फ टच करती हुई गुजर जाए, इसे कहते हैं टेंजेंट. और जिस पॉइंट पर कोई ऐसा टेंजेंट ड्रॉ हो जाए जो इस लीनियर के पैरेलल हो, किसी पॉइंट पर नॉन लीनियर पर ऐसा टेंजेंट ड्रॉ हो जाए जो लीनियर के कैसा हो, पैरेलल हो, वही वो पॉइंट होता है जहां पर इनके दरमियान का डिस्टेंस कैसा होता है, मैक्सिमम होता है. ये ग्राफिकल और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि हम कैसे लीनियर और नॉन लीनियर के दरमियान मैक्सिमाइज जो डिस्टेंस है वो वाला पॉइंट निकाल सके. यहां पर है, यहां पर भी हमें यही काम करना है कि एक तो है लीनियर, एक है नॉन लीनियर कॉस्ट कर्व. अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट के दरमियान का डिस्टेंस मैक्सिमम हो, क्योंकि इस डिस्टेंस के मैक्सिमम होने का मतलब है प्रॉफिट का मैक्सिमम होना. तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊँ, अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ इस पॉइंट पर, तो मुझे लग रहा है ये टेंजेंट और ये स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है. टेंजेंट और स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होने का मतलब ही यही हो गया कि इस पॉइंट पर इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस कैसा है वो मैक्सिमम है. तो जब इनके दरमियान का डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रेवेन्यू और कॉस्ट के दरमियान का डिस्टेंस मैक्सिमम है, इसका मतलब है फर्म प्रॉफिट को क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है. तो यही वो प्रॉफिट है जो वो अर्न कर रहा है,
और फिर इसी पॉइंट से नीचे लेके आए, यही वो आउटपुट है जो फर्म प्रोड्यूस करेगी और हमने उसको नाम दे दिया क्यू स्टार का। क्यों क्यू स्टार प्रोड्यूस करेगी? क्योंकि यही वो आउटपुट है जहां पर फर्म अपने प्रॉफिट को क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है। अच्छा जी, यहां तक तो हम यहां पर आ गए कि हमने प्रॉफिट को क्या कर लिया, मैक्सिमाइज कर लिया क्यू स्टार क्वांटिटी प्रोड्यूस करके। लेकिन हमें ये कैसे पर, हर वक्त हम टेंजेंट थोड़ी बनाते फिरेंगे, हमें कोई रूल ऑफ थंब चाहिए ऐसा कि जिससे हमें पता लग जाएगा भाई ये क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है। तो देखें, जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें एक लेक्चर मौजूद है ऑप्टिमाइजेशन का, जहां हमने ये बात डिस्कस किया है कि किस तरह टेंजेंट के थ्रू मार्जिनल निकाला जाता है, स्लोप निकाला जाता है और मार्जिनल निकाला जाता है। तो अगर आप ऑप्टिमाइजेशन के उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से वहाँ से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट उसको अप्लाई कर रहे हैं कि अगर टोटल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वहां से क्या निकलता है, मार्जिनल। तो आप देखें, टोटल कॉस्ट पे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट का मतलब हुआ टोटल कॉस्ट पर ड्रॉ किया ना, तो मार्जिनल कॉस्ट निकल आई, यानी ये जो टेंजेंट है ये मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल इसी पॉइंट पर ऊपर ये टोटल रेवेन्यू है, मैं इस पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं जो यकीनन इसके पैरेलल होगा, और आपने देखा ये बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर आ गया क्योंकि वो लाइन स्ट्रेट थी, तो ये टेंजेंट भी इसके पैरेलल है। कॉस्ट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, मार्जिनल कॉस्ट आ गई। रेवेन्यू पर टेंजेंट ड्रॉ किया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। कॉस्ट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू पर टेंजेंट ड्रॉ किया, मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब है दोनों की मार्जिनल की वैल्यूज कैसी हैं, बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि फर्म ने कहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया, फर्म ने उस पॉइंट पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जहां मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आ रहा है किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। अच्छा, यहां पर बात अभी खत्म नहीं हुई, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है किसके, मार्जिनल कॉस्ट के, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप गौर करें और अगर मैं यहां मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ कर दूं तो मोर और लेस यहां लग रहा है यहां भी कुछ पैरेलल सा आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये आउटपुट प्रोड्यूस कर दूंगा तो इस पॉइंट पर क्या मुझे क्या बेयर करना पड़ेगा, लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो फर्म अगर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट पर प्रोड्यूस करती है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ले, हो सकता है वो लॉस में आ जाए। तो उसका मतलब ये जो कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये कंडीशन इनफ नहीं है प्रॉफिट को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि इसी कंडीशन से हम प्रॉफिट भी प्रोड्यूस करते नजर आ रहे हैं और हमें लॉस पे भी आउटपुट निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें कोई ऐसी चीज इसके साथ अटैच करनी है ताकि वो रूल बन जाए किसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो अब हम उस चीज की तरफ आ रहे हैं, देखें आप गौर से, इस पॉइंट के बाद अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो आपने देखा टेंजेंट फ्लैटर हो रहा है, उसका एंगल कम हो रहा है, और इस पॉइंट के बाद अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो आपने देखा टेंजेंट स्टीपर हो रहा है, इसका एंगल में इजाफा हो रहा है। टेंजेंट शो करता है मार्जिनल को, तो जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट में लॉस आ रहा है उस पॉइंट के बाद अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को देखूं तो वो कम से कम होती चली जा रही है, उसका एंगल कम से कम होता चला जा रहा है, और जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट करने के बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है उस पॉइंट पर अगर मैं आगे कॉस्ट देखूं तो आहिस्ता आहिस्ता वो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता जा रहा है, उसका एंगल बढ़ता जा रहा है, यानी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन लिखना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं कि फर्म वॉन्ट टू प्रोड्यूस एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन, यानी उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग। सो दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन वेयर फर्म वांट टू प्रोड्यूस और मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग। तो अगर आपसे कहा जाए कि फर्म कहां प्रोड्यूस करना चाहती है तो फर्म कहां प्रोड्यूस करेगी, इट इज अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग, यही वो कंडीशन है जहां पे फर्म अगर इस पॉइंट पर प्रोड्यूस करे तो प्रॉफिट को क्या कर सकती है, मैक्सिमाइज कर सकती है। तो आई होप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ये टोटल अप्रोच आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।